जी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी तीन डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल है, श्रीनगर, बडगाम और गांधरबल, जिसमें 1710 पोलिंग स्टेशन है और 857 पोलिंग स्टेशन 408 लोकेशन पे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो सभी हाइपर सेंसिटिव हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पे माइक्रो ऑब्जर्वर डिप्यूट किए गए हैं। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, पुलिस फोर्स की है, और सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट लगभग 10 से 12 पोलिंग स्टेशन पे एक ऑफिसर को डिप्यूट किया गया है, एक फ्री और फेयर इलेक्शन की कंडक्ट के लिए, कहीं वोटर इंटिमिडेशन ना हो, कहीं कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन ना हो, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सफिशिएंट डिप्लॉयमेंट फोर्सेस की और ऑफिसर्स की गई है पोलिंग स्टेशन कैचमेंट एरिया में और पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे। जैसे मैंने बताया कि सभी जो पोलिंग स्टेशन है वो हाइपर सेंसिटिव है यहाँ पे, जिसमें दो सेक्शन हम लगा रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की और सफिशिएंट पुलिस फोर्स हमारी यहाँ पे रहती है। देन दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वहाँ पे कंप्लीट वीडियोग्राफी रहती है और वेबकास्टिंग हम 88 पोलिंग स्टेशन पे कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट होगा कमीशन की वेबसाइट के थ्रू, और सभी पोलिंग स्टेशन पे हम वीडियोग्राफर कैमरामैन अपने हम रख रहे हैं, और वोटर हेल्प डेस्क कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जो वोटर को फैसिलिटेट करेगा। यहाँ किसी किस्म की कोई कंप्लेंट आ जाती है कि कहीं कोई ड्यूअल वोटिंग का इशू है या कोई किसी को कोई इंपर्सोनेशन कर रहा है, तो उसमें कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं वो ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं, और 8 जनरल ऑब्जर्वर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने डिप्यूट किए हैं पोलिंग को ओवरसी करने के लिए। इसमें हमने क्लासिफिकेशन की थी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग, स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं उनके लिए, और जो एज्ड हैं उनके लिए। सबसे पहले उनको ईयरोनेट में हमने फ्लैगिंग की है। 202 पोलिंग स्टेशन पे 1091 लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, और उन तक हमने फोटो वोटर स्लिप जैसे सबको पहुंचाते हैं, उनको भी पहुंचा के इंटीमेट किया है कि उन रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पे जैसे व्हील चेयर का इंतजाम है या किसी को लाने का है या कोई असिस्ट करने का है, तो वो सब प्रोवाइड किया गया है।